हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में लेटेस्ट जो आज 23 जून को सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट अभी बताया कि जो लेटेस्ट अभी हमारे एग्जाम बचे हैं होने के लिए क्लास 12th के, उस पर डिसीजन लिया है कि वो डिसीजन थर्सडे को जाके फाइनल करेंगे। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद आज सीबीएसई इस बात पर डिसीजन ले कि कब होने हैं एग्ज़ाम। और बहुत से बच्चे टीचर्स के कॉल आए हैं, हज़ारों बच्चों ने व्हाट्सएप करके पूछा है कि सर ये क्या हो रहा है, कि हमारे साथ मजाक हो रहा है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, इवन टीचर्स भी ये कह रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा बच्चों, ये जो समय है, ये जो दौर है, बहुत ही एक्सेप्शनल है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी हमारी सीबीएसई की, हमारे गवर्नमेंट की और वेरियस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब आपकी सेफ्टी चाहते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी भी सीबीएसई ने थर्सडे तक का टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि वो थर्सडे को 2 बजे के पहले पहले आपको बताएंगे कि कब होने वाले हैं एग्जाम्स जो बाकी बचे हुए हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से, उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ अगर मेरा भी कोई वार्ड 12th क्लास में होगा तो मैं बहुत पैनिक मूड में होऊंगा, क्योंकि मैं डेली कर करके सिर्फ इसी बात पे कन्फ्यूजन में हूँ मैं कि पढ़ाई करूँ या ना करूँ। और जब मन करता है पढ़ाई करने का, अचानक से कुछ इंडिकेशन आता है कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले, और फिर बच्चा बंद कर देता है बुक्स को। फिर दोबारा से लगता है कि होने वाले हैं, वो फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता है। तो ये जो स्विच ऑन और ऑफ का बटन है पढ़ाई का, बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के एंगल से अगर देखा जाए तो। अगर मैं भी आपकी जगह पर होता तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता जिस फ्रस्ट्रेशन के साथ आप जूझ रहे हैं। बट एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगा, जितने आपने पेशेंस के साथ अभी तक कंट्रोल किया, अभी तक आपने एक पेशेंस रखा और धैर्य संयम के साथ आप वेट कर रहे हैं, 2 दिन की बात और है, थर्सडे को ये क्लियर हो जाएगा। और हाँ, विद ड्यू रिगार्ड टू आर अथॉरिटीज, विद ड्यू रिगार्ड टू मिस्टर रमेश पोखरियाल जो हमारे स्टडी मिनिस्टर्स हैं, तो वो सब जो बैठ के थिंकिंग टैंक्स हैं, हमारे सीबीएसई सेक्रेटरी साहब भी बार बार लाइव आके आपको ये बता रहे हैं, मिस्टर अनुराग त्रिपाठी जी, कि जो भी डिसीजन होगा बच्चे, वो आपके फेवर में होगा। कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा उसका जो परिणाम होगा वो आपके फेवर में होगा। तो ये मानते हुए कि जब सब लोग आपके फेवर के लिए सोच रहे हैं तो आप पैनिक ना कीजिए, आप घबराइए मत। तो 2 दिन की बात है, थर्सडे को हम मिलेंगे और 2 बजे से पहले जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको बताना चाहूँगा, इवन जो पेपर्स भी आपने दिए हैं, वो जो पेपर चेक भी हुए हैं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर चेक कैसे हुए हैं, कैसे मार्क्स लग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी सभी के सभी पूरे नॉर्म्स के साथ और स्टूडेंट फ्रेंडली वे में चेक किए गए हैं बहुत तसल्ली से। और आपके जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आएगा, उससे बेटर ही आएगा, ये मैं बताना चाहूँगा। तो आने वाले टाइम में 2 दिन का आप और वेट कीजिए और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट बताऊंगा। अभी तक के लिए हमें थर्सडे वेट करना है। बट बी पॉजिटिव अगेन कहना चाहूँगा, आपने जो अपना करियर प्लानिंग कर रखी है, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, बैलेंस बना के रखिए। जो नेगेटिव बच्चे होंगे वो अभी सिर्फ यही कर्स कर रहे होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। और जो पॉजिटिव बच्चे होंगे, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले बच्चे होंगे, दे विल बी स्टडिंग राइट नाउ फॉर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस विद सीबीएसई एज वेल एज एंट्रेंस। अगर सीबीएसई लेता है जो भी डिसीजन है, अच्छा रहेगा, जो भी डिसीजन है वो सब हम एक्सेप्ट करेंगे होल हार्टेडली। बट अगर जो टाइम हमारा है उस टाइम को हम वेस्ट ना करें, एक एक दिन वैल्यूबल है हमारे, बाकी जो हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए साथ साथ। तो ये कहना चाहूँगा, वेट फॉर थर्सडे, और सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगा वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है। और ये सब चीज़ें जो मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, बट आपकी हेल्थ से ऊपर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे मिनिस्टर्स, सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अपेक्स बॉडीज जितने भी हैं, वो सब थिंकिंग टैंक्स बैठे हुए हैं, दिन रात डिस्कशन कर रहे हैं। और सिर्फ उनका मेन जो मकसद है वो है आपकी सेफ्टी। फाइन, तो आपका एकेडमिक जो फ्यूचर है वो भी हम ध्यान में रख रहे हैं और साथ साथ में आपकी सेफ्टी का भी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट डिसीजन लिया जाएगा आपके फेवर में, वो थर्सडे यानी परसों हम आपको बताएंगे। और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए कुछ भी होगा सबसे पहले हम आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।